मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बावड़ियों, कुएं और खुले बोर के संबंध में अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सीएम ने भविष्य में इंदौर जैसी घटना के लिए उपाय सुझाने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के हर जिले में ऐसे कुएं और बावड़ियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं कि जिसे कवर्ड कर दिया गया है। साथ ही खुले बोरवेल को लेकर भी सख्ती बरतने की हिदायत दी। कई जगह परंपरागत और प्राचीन कुएं और बावड़ियां, उन पर कब्जा हो गया और कई जगह उनको कवर्ड कर दिया, बिना भरे कवर्ड कर दिया। ऐसी मुझे सूचनाएं मिली है। इंदौर की घटना हम सबको पता है, इंदौर में कितनी हृदय विदारक घटना हुई है। मैं अभी तक उस घटना को भूल नहीं पा रहा हूं, जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर जिले में ऐसे कुएं और बावड़ियां चिन्हित कर ली जाए जिनको कवर्ड कर दिया गया है। अभी इंदौर की भी बावड़ी 30 साल पहले कभी कवर्ड की थी, उसी के ऊपर सीमेंट कंक्रीट कर दिया और वो बाद में गिर गई तो इतनी जाने चली गई। 30 साल पहले कभी, 30 साल से भी ज्यादा हो गए। तो हर जिले में आप गंभीरता के साथ सूची बना ले के पुराने कुएं बावड़ी कहां कहां थे। आबादी के क्षेत्रों की चिंता करें, कोई खेत में कोई पुराना कुआं बावड़ी हो वो बात अलग है, लेकिन उसमें भी ये चिंता करें कि ऐसा ना हो कि कोई गिरे। तो कुएं और बावड़ी नंबर और बोर, खुले हुए बोर, पूरे प्रदेश में खुले हुए बोर, ये प्राइवेट बोर भी हो सकते हैं, सरकारी तो ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन वो भी देख लें, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं बोर में गिर जाते हैं बच्चे। तो एक बार ये चिन्हित करना बहुत आवश्यक है कि कुएं, बावड़ी, खुले बोर, इसकी सूची बजाय खुले बोर को तो खुला रहना नहीं देना। जिसके खेत में है या घर में, गांव में किसी के प्राइवेट भी है, सरकारी भी आप चेक कर ले तो कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। और प्राइवेट के हम किसी के यहां बोर है तो आप उसके खिलाफ तत्काल एक्शन लो, सीधे FIR करो। हम किसी बच्चे के गिरने का इंतजार ना करें। और दूसरी बात, आप पता कर लें आपके स्रोतों से, बुजुर्गों को, कई लोगों को पता होगा कि गांव में कौन सा कुआं था जो, तो उनको चिन्हित करवा लीजिए और जांच करके अगर ऐसी स्थिति है तो उसको फिर ओपन करवाना चाहिए। उसको ओपन करवा के ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि जिसके कारण कोई दुर्घटना की संभावना ना बचे। अगर कोई का कब्जा है तो वो आप भाग देखिए, अगर ओपन हो सकता है और उसमें पानी भर सकता है तो बाउंड्री बननी चाहिए फिर उसकी। मैं ऐसे कुओं की बात भी कर रहा हूं बावड़ी की जहां बाउंड्री नहीं है, केवल सपाट पड़े हुए हैं। कई बार ऐसी घटना होती है कोई जीप ही गिर गई, चलते चलते कोई जानवर गिर गया, तो उनमें मुंडेर वगैरह है कि नहीं, प्राइवेट भी है तो उसको मुंडेर बनवानी पड़ेगी, ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता। मेरा भाव आप सब समझ गए होंगे कलेक्टर्स, कि आगे भविष्य में फिर से इंदौर जैसी घटना ना हो, उसको रोकने के संपूर्ण उपाय आप कीजिएगा। तो मैं समझता हूं कि चीज आपके ध्यान में आ गई है, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहते जिसके कारण कोई दुर्घटना हो।